हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कल एक आईपीओ आया था आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कार ट्रेड कार ट्रेड देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आईपीओ इसका आता हुआ दिखाई दिया सोलह सौ सो कुछ का यहाँ पर प्राइस था ओके और यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर लिस्टिंग भी कम होती हुई दिखाई दी और लगभग लग नौ परसेंट के आसपास ये गिरता हुआ भी दिखाई दिया तो क्या हमें इसे अकूमलेट करना चाहिए या क्या हमें एक्यूमलेट नहीं करना चाहिए तो इसी चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं क्या हमें ये खरीदना चाहिए और कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा प्रीवियस क्योंकि हिस्ट्री देखिए हिस्ट्री किसी भी स्टॉक्स की हिस्ट्री हमें देखनी बहुत जरूरी है अगर हमें एक बार हिस्ट्री देखना शुरू करते हैं ना और जानते और कंपैरिजन करते हैं तो हमारे लिए एक आ, डिसीजन लेना डिसीजन लेना एक इजी हो जाता है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी पॉइंट्स तो बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलते रहे बाकी कल की डेट में भी यहाँ पर तीन वीडियो यहाँ पर बनाए गए हैं इन वीडियोज को जाके देखिए नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी और बैंक सेलिंग की तो रिकमेंडेशन हम नहीं देते बट हम आपको, आपको नॉलेज देते हैं और नॉलेज यहाँ पर लेने के लिए प्ले लिस्ट बना रखिए प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट ओपन कराए फ्री में तो इसी तरीके से यहाँ पर और भी लिंक है जाके आप

तो हम यहाँ पर ये बंद कितने पे हुआ है चौदह सौ उन्नीस इक्यानवे रुपए पे लगभग पंद्रह सौ रुपए के आसपास यहाँ पर बंद हुआ है और ये ओपन कहाँ से होता हुआ दिखाई दिया ये ओपन होता हुआ दिखाई दिया है लगभग सोलह सौ रुपए के आसपास तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस शेयर से रिलेटेड तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है इसके अलावा हम यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आ, 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 हाई भी आज ही लगाया है लो भी आज ही लगाया क्योंकि यहीं पर ही ओपन हुआ है तो यहाँ पर सोलह सौ अठारह से का यहाँ पर प्राइस था और चौदह सौ पिछहत्तर पे यहाँ पर इसमें लो दिखाता हुआ दिखाई दिया और इसी के आसपास यहाँ पर क्लोज भी हुआ है बट हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं डिलीवरी तो यहाँ पर देखिए लगभग फिफ्टी परसेंट की डिलीवरीज यहाँ पर उठाई गई सत्तावन लाख शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे भी उठाए गए हैं क्योंकि काफी अच्छी बात है और हम अगर बात करें तो देखिए ये एक ऐसी कंपनी है अपने सेक्टर की तो कि जो एक तो नंबर वन है as, as well as अगर हम बात करें प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। अगर हम यहाँ पर कार ट्रेड के बिजनेस में जाते हैं तो हम आपको पता चलेगा इनके जो अलग ब्रांड है सब्सिडरीज कह सकते हैं तो देखिए कार वाला बाइक वाला कार ट्रेड श्रीराम ऑटोमॉल और एड, एड्रॉइड ऑटो तो अगर हम यहाँ पर देखें ये कंपनी देखिए ऑटो में डील करती है पुराने ऑटो ऑटो Uh, मतलब पुरानी आपकी गाड़िया एज वेल एज नई गाड़ियों में डील करते हैं फिर वहीं पर ही उन्हें फाइनेंस भी करा देते हैं और वहीं पर ही उन्हें लोन भी दे देते हैं तो so, सारी की सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती है और वो भी ऑनलाइन आप कंपैरिजन कर पाते हैं आप एज वेल एज अगर हम बात करें ओल्ड uh, आपको गाड़ी चाहिए तो ओल्ड ले सकते हैं इसके अलावा आपको अपनी गाड़ी बेचनी है तो वो भी कर सकते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया और जैसे जैसे ऑनलाइन डिजिटल यहाँ पर सब चीजें चेंज हो रही है तो ये बिजनेस ना फायदे देने वाले बिजनेस है यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है आ आ बस आप इसमें पेशेंस प्रे, रख लेंगे ना तो यहां पर आपको यही शेयर मल्टीपैक रिटर्न बना के देंगे और यहीं पर ही आपको पैसे बनते हुए नजर आएंगे बेशक से नई कंपनी है बट यहां पर कुछ चीजें है जो यहां पर आ, इन इन कंपनी को बिल्कुल ही अलग बनाती है एक बार कंपनी के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी कंपनी यहाँ पर कितनी फायदेमंद है एज वेल एज अगर बात करें तो एक यहां पर नेगेटिव पॉइंट ये थी जब इसका आईपीओ आया कि यहां पर ये आईपीओ नहीं था ये एक्चुअली ओ था क्योंकि यहाँ पर जितने भी शेयर थे यहाँ पर देखेंगे तो इशू साइज इतना और ओ का साइज इतना तो सारा

ओके okay, या फिर सेकेंड डे में ही यहाँ पर जो जब यहाँ पर जीएमपी वगैरह सब चीज़ ख़राब होती हुई दिखाई दी मार्केट के तो ख़राब होते हुए दिखाई दिए मैंने यहाँ पर से वो जो अप्लाई किया था उन्हें कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर इसकी लिस्टिंग आने अच्छी नहीं होने वाली और इससे पहले जो लिस्टिंग हुई है अगर हम बात करें जी की ओके ग्लैंड लाइफ साइंस की उसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई इसके अलावा एक आई पी आया था उसकी भी लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई रोलेक्स रिंग की तो यहाँ पर जब लिस्टिंग अच्छी नहीं हो रही सब चीज़ अच्छा नहीं हो रहा तो ये एक नेगेटिव वाली बात होती है तो यहाँ पर ऐसे टाइम में तो यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं अप्लाई नहीं करना चाहिए पहली बात दूसरी बात यहाँ पर जीएमपी कंटिन्यूअसली जहाँ पर अच्छा खासा जीएम पी था वो गिरता वो कंटिन्यूअसली गिर रहा था तो यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी तो यहाँ पर यही था बाकी बिजनेस की बात करें लॉन्ग टर्म के व्यू से तो यहाँ पर टर्म का व्यू काफी अच्छा है बट यहाँ पर एक अगर हम बात करें जो हाँ आपने ऊपर लेवल पर यहाँ पर शेयर खरीद लिया है तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, यहाँ पर में रही है कि वो शेयर आपको पॉइंट बताऊं तो, बता तो देखिए मार्केट कैप यहाँ करोड़ का बात करें यहाँ पर एटी सिक्स का पीई चल रहा है काफी महंगा भी दिखाई दे रहा है आरोप करेंट फोर टू परसेंट की कुछ खास नहीं है एज वेल एज बात डेट टू है कोई भी शेयर प्लेस नहीं है तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये पॉइंट्स भी है एज एज वेल हम पर बात करते हैं तो देखिए पर ईयरली बेसिस में पर 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 का परफॉर्मेंस दे रखा है तो कंपनी ने कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस किया है बट यहाँ पर अगर हम बात करें दो में थोड़ा सा यहाँ पर ये गिरावट होती हुई दिखाई दी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था और जो कि इस बार यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर घाटे में था ओके बट यहां पर प्रॉफिट अब आप कहेंगे यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट घाटे में दिखा रहा है नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर चार पांच साल यहाँ पर घाटे में दिखा रहा है बट नेट प्रॉफिट पॉजिटिव दिखा रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर अदर इनकम है उसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़ता है एज वेल एज अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं तो देखिए यहां पर जब इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे ओके okay, तो आप इनका एप्लीकेशन लेंगे तो यहां पर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी चलाई जाती है अलग अलग कंपनीज के थ्रू क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है तो ऑटो इंश्योरेंस स या जो भी चीज से रिलेटेड है वहां पर इनके आ, आ, एड भी चलाई जाती है तो एड से भी इनका पैसा आता हुआ दिखाई देता है जो कि एक अलग ही बना देता है क्योंकि डिजिटल कंपनी का ये फायदा होता है जैसे आप कुछ भी एप्लीकेशन आप मूवीज वगैरह देखते हैं जैसे पे पे देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं तो बीच बीच में वहाँ पर आ, जैसे हॉट स्टार पर आप मूवीज देखते हैं तो बीच बीच में आपके सब्सक्रिप्शन लेने के बावजूद भी ऐड आती रहती है तो वो उनका एक पैसा कमाने का जरिया होता है तो सेम रेटिंग से बात करें तो यहाँ पर इनके वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो बीच बीच में आपको आ, इन एड्स भी दिखाई देंगी तो एक बार एड्स दिखाई देंगी तो उधर से भी इनका एक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई देता है तो ये चीज है यहाँ पर अगर बात करें पिछले चार साल से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आती है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा कंपनी टैक्स पे नहीं करती

और वेबसाइट को डेवलप करते रहते हैं कुछ ऑफर्स होते हैं वो उन्हें डालते रहते हैं वही सब चीज़ें होता है सिंपल तो यहाँ पर इनका वर्किंग प्रोग्रेस में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं आती एक एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स होती है ये आईटी कंपनीज़ के लिए एज वेल एज हम बात करें यहाँ पर ट्रेड डिसेबल अच्छा खासा है कैश भी कंपनी का तेरह करोड़ रुपये का है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई दे रहा है आर कुछ खास नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न शायद कुछ कम होता हुआ दिखाई यहाँ पर ओ एफ आ ही गया है क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम अगर बात करें तो कंपनी अच्छी खासी है थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बाकी अगर हम यहाँ पर कुछ टेक्निकल से बात करें तो देखिए टेक्निकल सा एक दिन का ही चार पट रहे है, तो इससे हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के व्यू से बहुत अच्छा है और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऐसे ही एक कंडीशन में एक शेयर हो रहा है था इस शेयर की अगर बात करूं देखिए मेरा इसमें अलॉटमेंट लगा था ओके okay, और जैसे ही आया था तो यहाँ पर मुझे लॉस में निकालना पड़ गया था और लॉस में यहाँ पर मैंने निकाल के पैसा मैंने आ, दूसरी जगह पर यहाँ पर शिफ्ट किया और दूसरी जगह से मैंने यहाँ पर पैसा कमा लिया था बट यहाँ पर अगर मैं बात बात करूं तो जैसे ये आई आया था एस का अगर हम यहाँ पर देखते हैं सॉरी तो अगर हम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ऊपर लग जाता हूँ

बाद यहां पर ये क्लोज होता है वो भी दिखाई दिया है 655 सौ पचपन के आसपास और फिर उसके बाद एक आध दिन इसने इसी तरीके की रैली बनाई और यहां पर जैसे जैसे मार्केट गिरती रही ये भी शेयर गिरता रहा बट कुछ टाइम बाद यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद इसने आपके पैसे को कितना कर दिया इसने अपने आपके पैसे को दुगना भी करके दिखाया है तो यहां पर पांच सौ रुपए तक सौ रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया और यहां पर अगर हम ऑल हा, टाइम हाई की बात करें तो लगभग लगभग आपके पैसे फाइव परसेंट तक यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दिए तो इसी तरीके से मैं कहने मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कार ट्रेड जो ऐसे आईपीओ होते हैं जो इस तरीके के आई पी ओ आते हैं तो यहाँ पर एक बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है थोड़ा सा शेयर और यहाँ पर

का अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा इस के बारे में तो देखिए उन्नीस ये से ये 2019 जुलाई में आया था उसके बाद सितंबर तक सितंबर तक दो हजार जुलाई से लगभग तीन चार महीने होते हैं चार सॉरी दो तीन महीने होते हैं तो दो तीन महीने में यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया कंसोलिडेट करने के बाद ये शेयर देखिए थोड़ा सा ऊपर ही भागा फिर इसने एक लंबी लंबा कंसोलिडेशन किया अगर बात करें यहां पर कितना अक्टूबर 2019 से लेके यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो कब तक 20 जुलाई तक मतलब अगर इतना लंबा इसने कंसोलिडेट किया ये शेयर ज्यादा पेंडेमिक में गिरा भी नहीं था थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरावट हुई थी और उसके बाद अगर हम बात करें इस शेयर ने जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड हो गया था पूरा सारा काम डिजिटल हो रहा था सारा काम ऑनलाइन हो रहा था यहाँ पर इस शेयर ने एक अच्छी खासी रैली बनाई और दस तक ये शेयर जाता हुआ

यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं बल्कि डील तो यहां पर आपको पता चलेगा कल की डेट में यहाँ पर Uh, कुछ यहाँ पर देखिए बल्क डील होती हुई दिखाई दे यहाँ पर देखिए एन एस सी बी एस सी बल्क डील गोल्डमैन शेयर जुपीटर इंडिया फंड बाई स्टेक इन कार्ट ट्रेड तो यहाँ पर कार्ट ट्रेड में इन्होंने uh, अच्छी खासी यहाँ पर बल्क डील भी लिया है मतलब अच्छे खासे शेयर भी खरीदे तो थोड़ा सा यहाँ पर आप इस शेयर की तरफ नजरें बना सकते हैं बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ही है मैं कहूँगा आपको बाई एंड डिप्स करके अगर आपको खरीदना है तो बाई एंड डिप्स करके खरीदिए दस शेयर खरीदने हैं तो एक एक शेयर लेते रहिए एक एवरेज प्राइस आ जाएगा या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए दो चार जब तक मार्केट गिर है तब तक यहाँ पर एक अच्छा खासी गिरावट और भी हो सकती है और एक नीचे के प्राइस पे आपको शेयर मिल सकता है बाकी आप अपने हिसाब से करिएगा वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरीके की के